साहब, आप लोग यहाँ? हमने बुलाया है। दरोगा साहब, घरेलू हिंसा का केस है, हाथ उठाया गया है हम पर। ये देखिए, ये शारीरिक चोट तो आपको दिखाई दे ही रही होगी हमरे गाल पर ये घर वालों ने जो हमें मानसिक चोट पहुंचाई, वो हम आपको कैसे दिखाएं? बस इतना ही समझ लीजिए कि घर के लोगों ने हमरे साथ जानवरों से भी बदतर बर्ताव किया है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, आप हमेशा आजा की साइड लेती हो। छोड़ो मुझे, मुझे आपकी बात नहीं सुननी पड़ेगी। मेहर, खुशी के साथ जो आपने किया वो सही है, गलत है ना वो? और मैं आपकी माँ हूँ, गलतियाँ करोगे तो डांट पड़ेगी। क्यों किया आपने खुशी के साथ ऐसा? छोड़ो मुझे। मेहर, मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे। छोड़ो मुझे। ये क्या किया तूने? क्या बदतमीजी है ये? ये क्या तरीका बड़ों से बात करने का मेहर? स्कूल में यही सीख के आती हो क्या? नहीं हो मेरी मम्मा, I hate you। ये नहीं है मेरी मम्मा। शुक्रिया, आसमा ने क्या क्या नहीं किया इसलिए, और ये सामान उठा उठा के फेंक रही है। मन तो कर रही। देख, पैर पे हाथ नहीं उठाओ क्या? क्या हो गया? क्यों इतना गुस्सा हुआ? प्लीज बताओ ना मुझे, क्या हुआ? नहीं आसमा, कुछ नहीं बोलेगी तू। इसकी हिम्मत कैसे हुई तेरे से ऐसे बात करने की? इसे समझना होगा कि अब तू ही इसकी माँ है। मेहर प्लीज। नहीं आप मेरी मम्मा। I hate you। सब गंदे हैं, सब डांटते रहते हैं मुझे। बस आप ही ताकत है डाडू। ये सब तेरे लाड प्यार का नतीजा है अरमान। इतनी बदतमीज हो गई है ये, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं रही इसे। ले जा इसे यहाँ से। और समझा, पता नहीं क्या जुनून सवार हो गया इसके सर पे। मैं बात करता हूँ इससे। चलो बेटा। शर्ट उतार और डुबकी मार बर्फ के पानी में। जल्दी। माफ करना बाबा, मैं आपकी मदद करने से पहले ही पकड़ी गई। मेरा सच गन्ने ठकुराइन को पता चल गया। गौरी, तो नानी और सत्तू ने किया ये सब मुझे बचाने के लिए। डुबरान जी, छोटा मुंह बड़ी बात। जो लड़की अभी आपको दिखी, पहले भी मैंने उसे देखा था यहाँ। चलो, इससे एक बात तो साफ हो गई है कि भोला डोरी नहीं है, क्योंकि वो तो मेरी आंखों के सामने था जब डोरी यहाँ से भागी थी। डरपोक कहीं की। क्या? हमारा मतबल है कि इतनी छोटी सी लड़की देखकर डर गई आप। मेरे बेटे श्रेय को वो सारे अधिकारों से वंचित होना पड़ा जिस पे एक रघुवंशी के बेटे का हक होता है, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से राज। श्रेय को घर में एक छोटे बेटे का नहीं, एक मामूली से लड़के का दर्जा मिला जो घर में सबके छोटे मोटे काम करता है, और तू रघुवंशी खून नहीं होते हुए भी घर का वारिस बना। तुझे बिन मांगे सब कुछ मिला राज, पर मेरे श्रेय को हर चीज के लिए हाथ फैलाना पड़ा, हर चीज के लिए। जब मैंने तुझे पहली बार देखा ना, तो ममता नहीं, नफरत पैदा हो गई थी मेरे दिल में तेरे लिए, नफरत। और उस दिन से सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही मकसद था, से मार देना। मगर वो पूर्णिमा, उसने तेरी मौत अपने सर ले ली और मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई। पूर्णिमा की मौत के बाद तू एक जिंदा लाश बन गया था, अपनी सुध बुध गवा बैठा था तू। अरे तू तो सब कुछ श्रेय के नाम करने के लिए भी तैयार था, पर वो मनहूस मौड़ी, वो जिस दिन से तेरी जिंदगी में आई ना, मुझे तेरी आंखों में जीने की चाह नजर आई और मेरी आंखों में तुझे मारने का सपना फिर से जाग उठा। 18 साल के बाद मुझे अपना खेल फिर से शुरू करना पड़ा। अरे जिस माँ को तू इतना प्यार करता है ना, वो माँ सिर्फ और सिर्फ तुझे मरता हुआ देखना चाहती है राज, मरता हुआ। ठीक वैसे ही जैसे मैं पल पल मरी हूँ, सिर्फ ये देख देख के कि तेरी वजह से मेरे श्रेय को सबका सौतेला व्यवहार सहना पड़ा। तेरे अंत की शुरुआत हो चुकी है राज, और अब की बार वो पूर्णिमा भी तेरा कवच नहीं बन पाएगी। एक माँ का वचन है। आपको कुछ चाहिए था? वो ना मेरे जोड़ों में बहुत दर्द था, तो इसलिए थोड़ा गर्म पानी लेने आई थी। कि जोड़ों में दर्द हो रहा है? आप आइए मेरे साथ, आइए, आराम से हाथ पकड़िए। अरे आराम से, आपके पैर में बहुत दर्द हो रहा है ना, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। उस मुखाटे वाले इंसान के पैर में एक निशान है, एक पैटर्न। अगर इसने मेरे पैरों पे निशान देख लिया तो बरसों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। अरे नहीं बेटा, तुम तो हमारे घर की लक्ष्मी हो, बहू नहीं, बेटी हो हमारी। और हमारी बेटियां पैरों तले नहीं, सर आंखों पे रहते हैं। आओ। इस जन्म में भले मुझे माँ ना मिली, लेकिन आप और माँ ही मिली। जैसे सिर्फ शंभू ने मेरी ये इच्छा भी पूरी कर दी। अरे वाह, आज से पहले तो मैं आपका फेवरेट हुआ करता था, लेकिन अब मिस पूनम आपकी फेवरेट हो गई है। इतनी जल्दी पार्टी बदल ली आपने। तेरी ये वाली नौटंकी ना अपने चलेगी। आप इधर आ। आपकी गोद में सर रखने से कितना सुकून महसूस हो रहा है, जैसे सब ठीक हो गया और अब मेरे राज पर कोई खतरा नहीं। और तुम पर भी माँ जो है हमारे साथ, और एक माँ अपने बच्चों पे कभी कोई खतरा नहीं आने देते। मेरे बच्चे पे कोई खतरा आए उसके पहले मैं उस खतरे को ही खत्म कर दूंगी। महादेव की सौगंध। हाँ श्रेय, पूर्णिमा और राज का साथ होना तेरे लिए खतरा है जो तुझे तेरे हक से वंचित रखेगा, और मैं इस खतरे को रौंद के रख दूंगी।